Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. तो जैसे कि हम सब बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि NTA NET की कब डेट्स आएंगी, कब हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, तो फाइनली कल दैट इज़ 10th अगस्त को फाइनली NTA ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि कब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जल्दी से नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है और जो इसका लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल NTA की वेबसाइट पे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे आया है। एंड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात कर रहा है कि ड्यू टू कोविड पैंडेमिक की वजह से इन्होंने किया क्या है, दैट व्हाट दे हैव डन इज कि इन्होंने मर्ज कर दिए हैं दोनों एग्जाम्स को। तो जो भी आपके दोनों एग्जाम्स थे, दैट मीन्स जो दिसंबर का अटेम्प्ट होने वाला था दिसंबर 2020 का, एंड जो आपका जून 2021 का अटेम्प्ट होने वाला था, इसका मतलब जो लोग दिसंबर 2020 के लिए एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे जो अभी होने वाला था मई में, एज वेल एज जो लोग जून 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो दोनों एग्जाम्स को मर्ज कर दिया गया है। तो अब दोनों के ही कैंडिडेट्स एग्जाम दे पाएंगे। सो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे उनको थोड़ा सा एडिशनल टाइम मिल गया, एंड जो लोग अभी तक बैठे हुए थे ये सोच के कि पता नहीं जून 2021 का एग्ज़ाम होगा कि नहीं, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। बिकॉज अगर जून 2021 का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट कर दिया जाएगा, दैट मीन्स दिसंबर 2021 के भी एग्ज़ाम डेफिनेटली इसी साल होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे पता चल जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका फर्क क्या पड़ेगा, कि थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो टफ हो जाएगा, बिकॉज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी अप्लाइंग इट्स गोइंग टू सर्टेनली इंक्रीज। तो ये होने वाला है, इसका मतलब आपको आपकी तैयारी बहुत अच्छे से रखनी है, यू डू नॉट हैव टू लीव एनीथिंग। अब दोबारा से एप्लीकेशन खोली गई है, दोबारा से जो फॉर्म भरने की डेट्स हैं उनको खोल दिया गया है, बिकॉज जो जून 2021 वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है कि हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं बट किसी वजह से हमारा फॉर्म मिस आउट हो गया था, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आप नेट की तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डेट्स। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो कब खुल रही है। 10th अगस्त, दैट मीन्स कल से खुल चुकी है, एंड इट इज़ गोइंग टू स्टे टिल 5th September 11:50 PM। तो लास्ट टाइम तक प्लीज़ वेट मत करिएगा, अपनी टाइमिंग लास्ट टाइम तक डिले मत करिएगा, अभी जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा सारे पटलर्स को ठीक से बढ़ के, ताकि आपको लास्ट डे पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस क्या है, दैट इज 6th September, एक दिन का एडिशनल टाइम दिया गया है टिल 11:50 PM। मैं दोबारा यही कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लास्ट डे पे प्रॉब्लम हो जाती है, कि कुछ ना कुछ हो सकता है, स्कैन ना कर पाएं आप चीज़ें, या हो सकता है पेमेंट में दिक्कत हो जाए, तो प्लीज़ लास्ट टाइम तक वेट मत करिएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएंगे ये आपको वेबसाइट पे पता चल जाएगा, अभी अनाउंस नहीं किया गया है। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब आपका एग्जाम होने वाला है, कब आपकी कौन से डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है, तो यहां पे क्लियरली दे दिया गया है दैट 6th October टिल 11th October, इस डेट के बीच में आपका एग्जाम होगा, मतलब इन 5 दिनों के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, इन 5-6 दिनों के बीच में। तो आपको इस पूरे टाइम दौरान फ्री रहना है, कोई भी अपने प्रायर कमिटमेंट्स मत करिएगा, कहीं भी इंगेज मत होइएगा, बिकॉज एडमिट कार्ड से पता चलेगा कि कब आपका एग्जाम एक्चुअली कंडक्ट होगा, कौन से दिन पे होगा, उसके पहले हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो इस डेट पे आपको फ्री रहना है। फर्स्ट शिफ्ट जो होगा वो 9 AM to 12 PM होगा, और जो सेकंड शिफ्ट होगा वो 3 PM to 6 PM होगा, एज इट हैपेंस रेगुलरली। ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। शिफ्ट का आपको कैसे पता चलेगा, दोबारा एडमिट कार्ड पे वो चीज प्रॉपरली मेंशन होगी। तो जल्दी जल्दी जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है जो स्टूडेंट्स कई बार मिस कर जाते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सैड थे कि सर हमारी तो एज निकल गई है, जो अपर एज होती है, अपर एज लिमिट होती है, वो निकल गई है, सो हाउ कैन वी फिल द फॉर्म। तो यहाँ देखिए बहुत समझदारी का काम किया है NTA ने, कि उन्होंने एज रिलैक्सेशन दे दी है सिर्फ इस बार के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए उन्होंने एज में रिलैक्सेशन दे दी है। तो अगर आप ये वाला अटेम्प्ट जो कि अभी होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 के लिए जो एग्ज़ाम है वहाँ पे रिलैक्सेशन दे दी गई है फॉर बोथ द कैंडिडेट्स, चाहे आप दिसंबर 2020 एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट कर रहे थे या फिर आप जून 2021 के लिए अपीयर हो रहे थे, दोनों ही लोगों के लिए क्या रिलैक्सेशन दी गई है, या जो 31 ईयर्स है, जो कि एक नॉर्मल एज है किसी भी जनरल कैंडिडेट के लिए 31 ईयर्स मानी जाती है, उसको रिलैक्स कर दिया गया है टिल द डेट ऑफ 1st October 2021। मतलब अगर आप 2021 तक 31 साल के हैं
यू हैव नॉट टर्न 32, आप 31 ईयर्स के हैं, देन इन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर JRF. नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप जून में अप्लाई करने वाले हैं तो जब मार्च में आप फॉर्म फिल करते हैं, लेट्स से जून अटेम्प्ट के बारे में बात करें, तब आपकी एज दे दी जाती है. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. तो बेसिकली जो पैंडेमिक है वो आपके लिए ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज साबित हो रहा है यहाँ पे. तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं. तो जिनकी भी थोड़ी एज, जिनको लग रहा था कि हमारी एज एक्सीड कर गई है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा एंड आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं. द अदर एस्पेक्ट इज कि जो लोग भी OBC नॉन क्रीमी लेयर रिजर्व कैटेगरी SC ST PWD और फीमेल कैटेगरीज, वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको ओवर एंड अबव 31 ईयर्स 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है. मतलब आपकी 36 ईयर्स तक एज तक आप JRF का फॉर्म फिल कर सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है. नेट वालों के लिए दिस इज ओनली फॉर JRF कैंडिडेट, याद रखिएगा. जो नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कोई भी ऊपर एज लिमिट नहीं होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज का ध्यान रखिएगा, बिकॉज हो सकता है आपने अगर ये नोटिफिकेशन ना पढ़ा हो तो आप हो सकता है JRF के लिए फॉर्म ना फिल करें. जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं हमेशा टिक करिएगा बोथ नेट एंड JRF. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. यू कैन आस्क मी एंड आई विल बी सर्टेन टू रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल. और अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से आपको हेल्प मिली है, सो डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू एंड बाय बाय.